तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की सीरीज चल रही है, उसी में हम आज कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन ऑप्शन वन रेक्टम, ऑप्शन टू स्टमक, ऑप्शन थ्री ड्यूडनम, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो भाई, पहला रेक्टम, ये तो हो नहीं सकता। रेक्टम में जाके अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है स्टोर होता है इजेस्ट आउट होने के लिए, है ना। दूसरा स्टमक, स्टमक के अंदर भी फैट डाइजेशन का ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना। फिर है ड्यूडनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्योंकि इसका मेन आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्पेसिफिकली ड्यूडनम नहीं है, है ना। ड्यूडनम के बाद जिजनम इलियम दोनों आएंगे, तो इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। क्योंकि जो फैट डाइजेशन होता है उसके अंदर, या फैट का डाइजेशन हो, फैट का इमल्सिफिकेशन हो, ये होता है बाइल सॉल्ट्स के द्वारा, जो कि रिलीज़ करता है हमारा लीवर, है ना। अभी जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो ये सॉरी हाँ तो जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये हमारे फैट को इमल्सिफाई कर देते हैं। और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है वो 2/3 ऑफ द फैट को वहीं के वहीं डाइजेस्ट कर देता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, है ना, जिससे कि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो पाए लैक्टियल के थ्रू और उनको हम यूज़ कर सकें, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय। तो इसके अंदर देखो दो क्वेश्चन बनते हैं कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस किसकी वजह से शुरू होता है और किसकी वजह से रुक जाता है, है ना। तो इस इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जिसकी वजह से शुरू होगा और एक ऑप्शन जिसकी वजह से बंद हो जाएगा। पहला, जैसे कि गैस्ट्रिन, नाम से पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक जूस को ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो इसका आंसर, मतलब ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा नहीं, है ना। फिर है पैनक्रियोजाइमिन, तो ये भी कहाँ से हो गया भाई। कोलेस्टोकाइनिन, ये भी पैनक्रिया के ऊपर काम करेगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है एंट्रोगेस्ट्रोन। एंट्रोगेस्ट्रोन जो डी आंसर है ना, वो क्या करता है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर देता है, और जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है, जो हमारे स्टमक जो चर्निंग मूवमेंट करता है ना, ताकि जो हमारा फूड है वो उनके हमारे इंजाइम्स के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए, वो उस मूवमेंट को भी स्लो डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ प्रोटीन डाइजेशन अकम्पलिश्ड, ए स्टमक, बी इलियम, सी रेक्टम और डी ड्यूडनम। देखो भाई, प्रोटीन की डाइजेशन शुरू तो हो जाती है स्टमक में, फिर लेकिन उसके बाद मैक्सिमम जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो हमारा ड्यूडनम में होती है, और उसके बाद फिर जाके ख़त्म हो जाती है वो इलियम में, है ना। तो इसका आंसर यही है, इलियम कहाँ पे जाके एंड हो जाती है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियम। उसके बाद आगे चलते हैं, रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। तो देखो, पैनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर पहला ऑप्शन है एंट्रोकाइनेस, दूसरा कोलेस्टोकाइनिन, तीसरा ट्रिप्सिनोजन और डी है सिक्रेटिन, है ना। तो ट्रिप्सिनोजन तो क्या कहते हैं हमारा इंजाइम है, वो होगा नहीं। कोलेस्टोकाइनिन और एंट्रोकाइनेस, ये भी एंट्रोकाइनेस भी इंजाइम होता है, और कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन होता है जो कि पैनक्रिया के ऊपर काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली सिक्रेटिन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्रेटिन क्या कराता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कराने में हेल्प करता है। इसका करेक्ट आंसर है सिक्रेटिन, जो कि डेल्टा सेल के ऊपर काम करते हैं ड्यूडनम के, और जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है ये भी, पैनक्रियास प्रोड्यूस, फर्स्ट ऑप्शन है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड नो हार्मोन। तो इतना तो आपको पता ही कि पैनक्रिया जो होता है वो 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, हमारा इंसुलिन और ग्लूकागन, है ना। तो इसमें से ये ऑप्शन तो बी वाले में ही दिख रहा है कि 2 हार्मोन्स, है ना, और इसके अलावा होते हैं हमारे 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वैसे तो कई सारे होते हैं, पर जिनको मैक्सिमम जो रिलीज़ होते हैं, जो जिनका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, वो 3 ही होते हैं, जो कि हमारे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज हैं। बाकी के 2 तो हमारे हैं ही हैं, ग्लूकागन और इंसुलिन, 2 हार्मोन्स। फिर है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। इमल्सिफिकेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि लाइपेज तो इमल्सिफिकेशन नहीं कराएगा, पैनक्रियाटिक जूस भी नहीं। इमल्सिफिकेशन कराने का काम होता है बाइल सॉल्ट्स का,
मतलब ऑप्शन सी। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करके और हाइड्रोजन मतलब पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशरकर डिजीज इज ड्यू टू साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकंपेन्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाशरकर डिजीज़ जो होता है वो होता है बच्चों में। कौन से वाले बच्चों में? 1 से 2 साल 3 साल वाले जो बच्चे हैं, मेजरली उनके अंदर ही देखने को मिलता है, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ये हमारी, इसकी कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं है, मतलब वो खाना खा रहा है लेकिन उसका वो जो फूड है उसका वो प्रोटीन इनरिच फूड नहीं है, इसलिए ऐसे बच्चों को प्रोटीन इनरिच फूड दिया जाता है ताकि उनको ये ना हो। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे ये पॉट बेली है ना, ओडेमा है, मतलब वाटर रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ब्रेन में रिटार्ड ग्रोथ हो जाती है ना, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ बॉडी ब्रेन, तो ये सब इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड विजन डिपेंड्स ऑन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर वन इज विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन। ऑप्शन बी, फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट। ऑप्शन थर्ड, रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन फोर्थ है, रेटिनल इज अ लाइट अब्सॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल फोटो पिगमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला वाला जो ऑप्शन है, विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड विद कैरोटीन, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन कि रेटिनल इज लाइट अब्सॉर्बिंग पार्ट ऑफ विजुअल फोटो पिगमेंट्स, तो ये भी सही है। सेकेंड वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाए क्योंकि ये जो फोटो पिगमेंट्स हैं हमारे वो एक ये क्या कहते हैं इनर सेगमेंट में मेम्ब्रेन डिस्क के अंदर एम्बेडेड नहीं होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पहला तो यही, विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल का मतलब ये कैरोटीन से मिलता है ना, ये रेटिनॉल होता है, इसका नाम होता है, मतलब रेटिनॉल का डेरिवेटिव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरी, द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले बात करी हमने प्रोटीन डिफिशेंसी बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में क्या होगा, क्वाशरकर डिजीज है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ये पढ़ भी सकते हो, क्वाशरकर डिजीज जो होता है प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है, जिसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि उसको फूड नहीं मिल रहा है, फूड है लेकिन फूड में प्रोटीन नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डिफिशियंसी। फैट सोल्यूबल विटामिन की डिफिशियंसी क्या होगी? पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, विटामिन सी की डिफिशियंसी स्कर्वी, सही है, लेकिन ये जो है ये फैट सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल है विटामिन सी। फिर रेटिनॉल ज़ेरोप्थैल्मिया, तो रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए होता है, और ज़ेरोप्थैल्मिया रेटिनॉल से क्या समझ में आ रहा है, रेटिनॉल जो होता है वो हमारी आई से रिलेटेड है, और ज़ेरोप्थैल्मिया, ऑप्थैल्मिया भी जो वर्ड है ना वो भी हमारी आई से रिलेटेड होता है, और ज़ेरोप्थैल्मिया मतलब कि आपके विजन में दिक्कत है, तो इसलिए रेटिनॉल विटामिन ए है, वो फैट सोल्यूबल भी है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर कोबालोमिन है, बेरीबेरी है ना, कैल्सिफेरॉल, पेलिग्रा, तो ये भी दोनों जो हैं विटामिन के और विटामिन डी, ये दोनों फैट सोल्यूबल ही होते हैं, लेकिन ये जो इनके ये दिए हुए हैं डेफिशिएंसी डिजीज, ये गलत है। मैं आपको ये डेफिशिएंसी डिजीज़ का चार्ट भी दिखा देता हूँ, तो चार्ट देख के आप पता लगा सकते हो कि किसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी हमने कि इसमें क्या हाई प्रोटीन फूड दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट को क्या है, क्वाशरकर डिजीज़ है। अनीमिया में आपको प्रोटीन की दिक्कत नहीं है, स्कर्वी में प्रोटीन